बंगाल की सियासत में शुरू हुए आरोप प्रत्यारोप का असर इन दिनों देश भर में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में हाल ही में चोटिल हुई ममता बनर्जी ने खुद को खतरनाक घायल टाइगर बताया, तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अपने ही अंदाज में ममता पर तंज कसा है। विज ने ममता के बयान पर तंज कसते हुए ममता बनर्जी को नकली टाइगर करार दिया है। विज ने कहा कि आज तक काम करने वाले टाइगर ने तो ऐसा नहीं बोला, लेकिन ये नकली टाइगर हैं जो ऐसे बोलते हैं। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर इन दिनों राहुल गांधी ने ट्विटर पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, जिसके चलते आए दिन राहुल गांधी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने एक और ट्वीट कर सरकार पर बड़े आरोप लगाए और कहा कि पीएम देश फूंक कर मित्रों का फायदा कर रहे हैं, जिसके बाद अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार किया है। विज ने कहा कि यह बयान राहुल गांधी शीशे में अपना प्रतिबिंब देख कर दिया होगा, क्योंकि जब से कांग्रेस सत्ता से गई है तब से ये आग लागू पार्टी बन गई है। फिर देश में चाहे कोई भी मुद्दा हो, ये उस पर जनता को भड़काने का काम करते हैं। ममता बनर्जी खुद को टाइगर बता रही हैं और कह रही हैं कि घायल टाइगर जो है वो ज्यादा खतरनाक होता है। आज तक किसी टाइगर ने तो ये शब्द बोले नहीं है। जो टाइगर काम करता है उसने तो बोले नहीं है, ये नकली टाइगर ही बोलते हैं ऐसी बातें। ये तो राहुल गांधी अपना प्रतिबिंब शीशे में देखकर बोल रहे हैं, क्योंकि ये काम तो कांग्रेस कर रही है। जब से इनके हाथ से सत्ता छीनी है ये आग लगाओ पार्टी बन गई है, और एक ही काम ये करती है कि देश में कहीं कोई मुद्दा हो उसको भड़काओ। अब चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे कोई और मुद्दा हो, ये उनके समाधान नहीं होने देना चाहते, ये उनको भड़काना चाहते हैं। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।